बोलबम। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी ग्रीडी पहुंच चुके हैं और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं बोलबम। सो फाइनली अभी हम लोग गोड़ियारी नदी के पास में पहुंच चुके हैं। बोलबम बोल कंवरिया, बोलबम 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 हर हर महादेव। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग बोलबम की यात्रा करने के लिए बहादुरपुर बोकारो से सुल्तानगंज जा रहे हैं और ये सभी कंवरिया बम हमारे साथ है बोलबम। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बोकारो से देवघर का जर्नी को दिखाएंगे और किस तरह से हम लोग कांवरिया बम बोलबम का यात्रा करते हैं सारा कुछ आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, साथ ही साथ इस ब्लॉग पर आप लोग बने रहिए। बोलबम और आप देख सकते हैं कि हम लोगों की ये गाड़ी अब तैयार हो चुकी है जाने के लिए सुल्तानगंज। बोलबम और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी ग्रीडी पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग अपने गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं। बोलबम बोलबम। दोस्तों अभी हम लोग ग्रीडी से आगे में एक जगह पे रुके हुए हैं, यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। अभी सभी बम हम लोग इधर बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम लोग देवघर के लिए निकलेंगे और देवघर के बाद फिर से हम लोग सुल्तानगंज पहुँचेंगे। तो इधर देख सकते हैं संतोष बम है और इधर आप देख सकते हैं गोविंद बम। बोलबम, तो अभी तक का सफ़र कैसा लगा? बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा, आनंद ही आनंद है। और बाकी आगे का भी सफ़र आप लोगों को दिखाएंगे सुल्तानगंज पहुँच करके, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं सभी बम लोग। और सभी को मिल के हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, देख सकते हैं बोलबम। सो फाइनली अभी हम लोग गोड़ियारी नदी के पास में पहुँच चुके हैं और इधर देख सकते हैं काफ़ी सारा फोटोशूट वगैरह हो रहा है। पीछे में देख सकते हैं घोड़ा है, आप घोड़े में बैठ करके फोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं। और इधर भी देख सकते हैं कुछ कांवरिया बम हैं जो फोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं। और ये जो रास्ता है, ये जो बाय रोड लोग कांवर यात्रा करते हैं, जो गाड़ियों से चल करके आते हैं उनके लिए ये रास्ता है, और जो पैदल यात्रा होती है ये नदी के थोड़ा सा उस पार से होती है। फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ कांवरियाँ फोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और हमारी गाड़ी आप देख सकते हैं पीछे में उधर पार्किंग किया गया है, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे सुल्तानगंज के लिए। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। बोलबम और आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर जी का भैंस लिए हुए कांवरिया बम फोटो क्लिक करवा रहे हैं। बोलबम बोलबम सलेश बम कैसा लग रहा है? बोलबम बहुत अच्छा लग रहा है दृश्य। आज इस साल तो गोड़ियारी नदी में पानी भी है, अगले साल तो था ही नहीं पानी, इससे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और काफी धूप भी है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा धूप है और धूप में हम लोग कांवरिया सब बम मस्ती कर रहे हैं। और देख सकते हैं पीछे में काफी कॉस्ट्यूम वगैरह रखा है, जो भोलेनाथ जी का कॉस्ट्यूम वगैरह है। अगर आप लोग आते हैं तो फोटोशूट वगैरह जरूर करवाए कॉस्ट्यूम को पहन कर। और इधर आप देख सकते हैं हमारे सोनू बम, बोलबम सोनू बम बोलबम। सो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं और इधर रहा हम लोगों का गाड़ी। और अभी हम लोगों को कांवर सजाना है। और आपने आज के इस ब्लॉग में बोकारो से लेकर के सुल्तानगंज का जर्नी को देखा और अभी आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से हम लोग कांवर भी सजाते हैं सुल्तानगंज के घाट की ओर, और वहाँ पर आप लोगों को माँ गंगा का भी दर्शन करवाएंगे। उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, उसके बाद फिर न्यू वीडियो हम लोगों का शुरू होगा जो कांवर यात्रा करेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे कांवरिया पथ को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और सभी को अभी सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा बैजनाथ धाम के लिए जा रहे हैं। बोलबम बोलबम। यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कांवर वगैरह सजाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कांवर भी सजा रहे हैं अभी। बोलबम बोलबम बोलबम। और देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग सभी कांवरिया बम मिलकर के सुल्तानगंज के घाट के लिए हर्षोल्लास से भरा हुआ है और अभी जल उठाने जा रहे हैं हम लोग। और कुछ ही पल में हम लोग जल उठा के बाबा धाम के लिए चलेंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। बोलबम। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सुल्तानगंज के पुल के समीप में खड़े हैं और ये रहे हमारे सभी कांवरिया बम। बोलबम 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 बोल कंवरिया बोलबम बोलबम।
बम गोल बम गोल बम गोल बम गोल बम गोल बम बोल बम हर हर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग सुल्तानगंज के गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ से सुल्तानगंज के गलियों से होकर के हम लोग नमामि घाट की ओर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये नमामि घाट जाने का रास्ता है और इधर से ही हम लोग अभी चलेंगे। और आप देख रहे होंगे आज सावन सोमवारी का पहला सोमवारी के दिन में बहुत सारे कांवरिया बम पहुँचे हुए हैं सुल्तानगंज और यहाँ से गंगा जल कंधे में लेकर के बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पहुँचेंगे और बाबा को जलाभिषेक करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से कांवरियों की भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सभी को अभी गंगा जल लेकर के बाबा बैजनाथ धाम के लिए पहुँच रहे हैं और इधर हमारे साथी भी हैं और सभी को हम लोग चलेंगे आज पैदल कांवर यात्रा हम लोगों को करनी है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल कांवरिया बोल बम बोल बम बोल बम। और आप देख सकते हैं सामने में माँ गंगा, दर्शन करें माँ गंगा का और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आप देख सकते हैं गंगा घाट में शिव भक्तों की भीड़, सभी कांवरिया बम यहां से जल संकल्प कराकर बाबा बैजनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है और आप दर्शन करें माँ गंगा का और आइए बाबा की नगरी जाने वाले भक्तों आप देख सकते हैं माँ गंगा का तट।